नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज मनाया जा रहा है अनंत चतुर्दशी। बप्पा के विसर्जन के लिए पुलिस प्रशासन की है जोर शोरों से तैयारी। राज्य में 19,000 पुलिस बल रहेंगे तैनात। इस साल मुंबई में 13,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडलों और 17,000 से ज्यादा घरेलू गणेश प्रतिमाओं का किया जाएगा विसर्जन। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज रात 11 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों पर लगाया गया प्रतिबंध। केवल अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को दी जाएगी अनुमति। मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ भयानक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक के रिक्शा पर पलटने से 4 लोगों की मौके पर हुई मौत, कई लोग हुए घायल। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में बप्पा के विसर्जन के लिए मुंबई महानगर पालिका की तरफ से की गई है जोरों शोरों से तैयारी। रात 11 बजे हाई टाइड और 4.80 मीटर ऊंची लहरें उठने की जताई जा रही आशंका। मुंबई महानगर पालिका ने श्रद्धालुओं को समुद्री तटों पर सावधान रहने की अपील। मौसम विभाग ने मुंबई पुणे समेत सभी जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने पुणे और कोल्हापुर के 2 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कुर्ला इलाके में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। महाराष्ट्र में दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने के आदेश पर मनसे हुई गदगद। मनसे कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। मुंबई से सटे मीरा रोड पूर्व के शांति पार्क इलाके में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी को टक्कर, स्कूटी चालक समेत 3 लोग हुए घायल। आज मंत्रालय में जाने से पहले लेना होगा स्लॉट। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, देना होगा जवाब। सुप्रिया सुले की सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियों पर मुंडे ने कहा, शायद वह उस दौर से गुजर रहे जिससे मैं पहले गुजर चुकी। ऐसी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।